हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज मैं वीडियो करने वाली हूँ मेरे हेयर ऑयलिंग के, मतलब मैं नाइट में कैसे हेयर ऑयल करती हूँ कैसे, तो उसके ऊपर। तो मैंने रिसेंटली कामा आयुर्वेदा का ब्रिंगादी तेलम इंटेंसिव हेयर ट्रीटमेंट का ऑयल लिया है। तो इसको लिए मुझे 15 दिन हो चुके हैं, मैंने इसको यूज़ किया है। मैंने इसको 15 दिन हो चुके हैं, तो मैंने इसको वीक में 1 से 2 बार यूज़ किया है, मतलब 2 दिन। हाँ, वीक में कभी कभी एक बार मुझसे छूट गया था, तो मैंने वीक में एक बार ही यूज़ किया था। तो मैंने इसको वीक में 2 टाइम्स यूज़ किया। तो मैं इसका एज ए रिव्यू और एज ए माई वीकली हेयर केयर बताने वाली हूँ वीकली, क्योंकि मैं हर रोज़ रात को अभी रात के कितने बज रहे हैं, हाँ अभी रात के 9 बज रहे हैं, और मैं अभी अपने हेयर को ऑयलिंग करने वाली हूँ। मैं रोज़ मेरे हेयर को ऑयलिंग नहीं करती, मैं वीक में एक बार ही हेयर को ऑयल करती हूँ। और मैं वीक में एक बार ही रात को मैं हेयर ऑयल करता हूँ, मतलब वीक में एक दिन मैं ओवरनाइट ऑयल अपने सर पर रखती हूँ, उसके बाद अगले दिन मैं शैम्पू कर लेती हूँ। और बाकी जो दिन है उसके लिए मैं, मतलब मेरे नहाने के शैम्पू से 1-2 घंटे पहले ऑयल करती हूँ, क्योंकि आप लोग ऐसे देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पर बहुत ही पिंपल्स है, पिंपल्स हैं ना, और मेरे पिंपल बहुत होता है फेस में। तो मैं ऑयल रात को नहीं रखती, और बस मुझे अच्छा भी नहीं लगता, थोड़ी सी गर्मी बहुत लगती है। अभी अभी आप देख रहे हैं बहुत गर्मी है, मैं पसीना छूट रहा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, हॉट वेदर, वेरी हॉट। तो इसलिए मैं रात को ऑयल नहीं रखती, और मुझे अच्छा भी नहीं, मुझे ज़्यादातर मतलब नहाने के 1-2 घंटे पहले ही अपने हेयर पे ऑयल रखना ज़्यादा पसंद है, और मैं वही करती हूँ। लेकिन अभी मैंने ये नया हेयर ऑयल निकाला, मैंने इसका छोटा ही लिया है, 50 ml का पैकेट, क्योंकि बहुत महंगा है बहुत, तो मैंने इसलिए इसका छोटा ही लिया है। अगर मुझे पसंद है तब मैं सोचूंगी बड़ा लेने का। तो मैंने 15 डेज हो चुके हैं इसको आए हुए मेरे पास, और मैंने वीक में 2 बार करके यूज़ किया है। तो हाँ, अभी इतना सा यूज़ हुआ है, इतना सा मतलब आपके, अगर मैं दिखाती हूँ आपके, अगर मेरे जैसे ऐसे लंबे बाल हैं तो आपको मतलब 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा, मुझे लगता है मेरा 1 महीने में ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अभी इसका इतना सा ख़त्म हो चुका है, अभी इतना सा ही बचा है। तो मेरे जैसे लॉन्ग हेयर को तो ये 50 ml का ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, आपको बड़ा ही खरीदना पड़ेगा। तो मैं इसको ट्राई कर रही हूँ, और मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि मैं वीकली अपने हेयर केयर को कैसे करती हूँ। तो इसका एक सीरीज़ आएगा मेरा वीकली हेयर केयर, कि मैं कौन से दिन क्या क्या करती हूँ। तो आज ही मैं ओवरनाइट हेयर ऑयल ट्रीटमेंट के बारे में बात करनी हूँ, क्योंकि ओवरनाइट हेयर आपको वीक में एक दिन अपने ऑयल को ओवरनाइट रखना ही पड़ता है, मतलब पड़ना रखना चाहिए, तो इसलिए अच्छा होता है, हेयर की क्वालिटी अच्छा रहता है। और ओवरनाइट हेयर ऑयल आप जब रखते हैं अपने सिर पर तो वो हेयर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और तो यही बस अभी चलो इसके बारे में बताती हूँ। तो ये कामा आयुर्वेदा का ब्रिंगादी इंटेंसिव हेयर ट्रीटमेंट है, एक आयुर्वेदिक कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, आयुर्वेदिक बहुत ही अच्छा कंपनी है। मुझे कामा आयुर्वेदा फॉरेस्ट एसेंशियल ये दो कंपनी बहुत अच्छी लगती है, ये ब्रांड्स, क्योंकि बहुत ही अच्छे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आप देख सकते हैं मैं एकदम पसीना पसीना हो रही हूँ, बहुत ही गर्मी है, फैन चलाऊँगी तो आवाज़ आपको बहुत ही शोर होगा, फिर सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। देखती हूँ कितनी देर मैं ऐसे कर सकती हूँ, और बहुत ही गर्मी लगे तो सॉरी, मैं पंखा चला दूँगी क्योंकि ऑयल करूँगी, अभी बहुत गर्मी लगे। मैं वॉइस ओवर दे दूँगी, अगर पंखा मैं चलाऊँगी और आवाज़ आएगा वो अच्छा नहीं लगता, तो मैं उस टाइम उसका वॉइस को कट करके वॉइस ओवर दे दूँगी। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ बढ़ते हैं। इसके इंग्रेडिएंट है इंडिगो फेरा टिंक्टोरिया लीफ एक्सट्रैक्ट, सॉरी, मैं इसके इंग्रेडिएंट के ना पिक्चर यहाँ पर, मैं इसका इंग्रेडिएंट का पिक्चर यहाँ पर दे दूँगी, आप लोग देख लेना। मुझे इसको गूगल करना पड़ेगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं जो हम जानते हैं, ऐसा कुछ मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आयुर्वेदिक नेम है ना, मतलब वो प्राचीन काल में जो आयुर्वेदिक नेम होते थे, मतलब
वही यहाँ पर जैसे लिखा है भृंग आदि, तो इसमें भृंग रस तो होगा ही होगा। तो वही सब जो हम जानते हैं, जो मतलब चीज़ें हेयर ऑयल में एक अच्छे से हेयर ऑयल में होना चाहिए, वही सब ही है। लेकिन इनके आयुर्वेदिक नाम लिखे हैं जो बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैं इसका पिक्चर दे दूँगी, आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो इसमें खासकर भृंग रस तो हो है, भृंगादि तेल है, भृंगराज होगा ही होगा, और भृंगराज आपके हेयर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। या फिर मैं यहाँ पर वॉइस ओवर दे दूँगी सारे, मतलब मैंने गूगल करके इनका नेम में करके वॉइस ओवर दे दूँगी, या फिर मैं अपने शॉर्ट्स में, हाँ शॉर्ट्स में दे दूँगी। शॉर्ट्स बनाने में मुझे शॉर्ट्स बनाने में मज़ा ही आता है, तो शॉर्ट्स में मैं इसके इंग्रेडिएंट का दे दूँगी। इस वीडियो का डालने के बाद मैं इसका एक शॉर्ट बनाऊँगी जिसमें मैं इनके फुल इंग्रेडिएंट को मतलब विस्तार से आप लोगों को समझाऊंगी। फिर भी देखते हैं क्या क्या है। इंडिगो फेरा, तो मुझे लगता है इंडिगो फेरा इंडिगो होता है ना, वो है तो, हाँ सिसमिया है, सेसासम इंडिकम सीड ऑयल लिखा है, सिसमिया सिसमी ऑयल है, क्योंकि मैंने जब नायका पर लेने गई थी तो मैंने उसका नायका पर इंग्रेडिएंट्स देखा था, तो उसमें मेन जिसमें मतलब सारे इंग्रेडिएंट्स को इंक्लूड मतलब इंक्लूड करके जो एक मैंने बेस ऑयल चाहिए होता ना, तो उसमें सिसमी ऑयल बेस ऑयल है। तो एक वो है, और बहुत ही अच्छे रोजमेरी है, लेवेंडर है, बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। तो इसको कैसे यूज़ करना है, जेंटली मैसेज इनटू हेयर इंश्योरिंग द एंटायर स्कैल्प इज कवर्ड, द ट्रीटमेंट वर्क एज ए नेचुरल कंडीशनर इफ लेट ऑन फॉर 30 मिनट्स, क्लींस पोस्ट पोस्ट ट्रीटमेंट विथ माइल्ड शैम्पू। मतलब इसको क्या कहेंगे, 30 मिनट हम ओवरनाइट रखेंगे। मुझे ये बहुत ही महंगा ऑयल है, और अगर मैं इसको मतलब नहाने के 30 मिनट रख के अगर मैं इसको धो दूँ, मुझे बुरा लगेगा बहुत ही, क्योंकि इसका 50 ml का ही मतलब MRP है कितना, 395, और जो बड़ा वाला इसका फुल साइज है वो तो 1000 कितने, मतलब शायद 1200-1300 ऐसे। तो मैं इसको ओवरनाइट ही रखूँगी, वैसे भी मैं वीक में एक दिन ओवरनाइट हेयर ऑयल रखती हूँ, तो मैं इसको ओवरनाइट ही रखूँगी, ओवरनाइट। तो मैं पहले कुछ दिन मतलब इतना तो मेरा ख़त्म हो गया, तो मैंने पहले भी कुछ दिन इसको यूज़ किया एज ओवर नाइट रखते ही, वीक में 2 दिन ऐसे। तो आज भी ओवर नाइट आप लोग देख लीजिए मेरा नाइट टाइम हेयर केयर रूटीन, जो मैं वीक में क्या बोलूँ इसको, मैं मतलब वीक में एक दिन जो मैं ओवर नाइट हेयर ऑयल करती हूँ, तो वो आप लोग देखिए। चलिए बातें ना करते, बहुत ही गर्मी लग रही है मुझे, मैं अभी बोल नहीं पा रही हूँ कि इसको मैं अपने वीडियो का क्या टाइटल है, मैं सोच के टाइटल में दे दूँगी, पहली पहली बार बना रही हूँ, थोड़ा सा नर्वस भी हूँ। तो चलिए, तो मैं उड़न कुंभ से अपने, तो आप लोग क्या पहले ऐसे ऐसे करके मतलब पहले आप जो नीचे जो मतलब उलझने होती है उनको ऐसे नॉट्स को ऐसे ऐसे सुलझा लेना। मैंने वैसे भी कुंभ करके ही रखा था, पर अब नीचे से अगर कुंभ करना आप शुरू कर गए तो मतलब अब जब भी ऐसे ऊपर से करते हो तो नीचे जो नॉट्स लगे होते हैं उस पर खींचा पकड़ आपका बाल टूटते हैं। तो पहले आप ऐसे नीचे से हल्के हल्के करके मतलब उसको छुड़ा लोगे, फिर अच्छे से मतलब मैंने जो तो कुंभ करके रखा, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये हुआ, तो मैं इसको भी ऐसे ऐसे करके कर देख सकते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। मैंने कुम करके भी रखा था, बहुत पसीना पसीना हो रहा हूँ, मैं पसीने से भीग गई थी, तो मैंने थोड़ा सा पोंछ लिया पसीना। तो चलिए अभी इस घर का मैंने तो पहले ही देख लिया, फर्स्ट इम्प्रेशन नहीं है, आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। इसका टेक्सचर हैवी नहीं है, इसका टेक्सचर नॉट हैवी नॉट लाइट, मतलब मीडियम में। और इसका कलर कलर देख सकते हैं ऐसे, तो इसका कलर ग्रीन है, ग्रीनिश योलो। मैं ऐसे ऐसे, तो इसका कलर ग्रीनिश योलो है, देख के ही समझ जाता है कि पूरा हर्ब्स है। वो जो कलर वाला तेल होता है ना, कलर्ड जो मार्केट में मिलते हैं, जिसमें
आंवला का तेल बोलते हैं, लेकिन उसमें कलर दिया गया जाता है आंवला का, तो वैसा नहीं है, एकदम देख के पता चले कि नेचुरल है। और इसकी खुशबू, सच बताऊँ इसकी खुशबू बिल्कुल अच्छी नहीं है, बिल्कुल नहीं। मतलब वैसे होता है ना हर्ब्स वाली खुशबू, जहाँ पर क्योंकि इसमें कोई मतलब इसमें कोई सिंथेटिक फ्रेग्रेंस ऐड नहीं किया गया, इसमें कोई भी सिंथेटिक फ्रेग्रेंस ऐड नहीं किया गया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो नेचुरल हर्ब्स के मतलब उसके जो नेचुरली फ्रेग्रेंस होते हैं वही है, तो ऑब्वियसली इसके खुशबू अच्छा नहीं होगा। तो बट मैंने 15 दिन हो चुके इसको आए, और मैंने 15 इसको यूज़ भी किया है वीक में 2 बार करके 15 दिनों में, तो मैं इतना बता सकूँ कि मतलब ये हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। अब मैं ये तो नहीं बता सकती कि अभी कुछ नए हेयर्स मतलब ग्रोथ करता है कि नहीं, यहाँ पर लिखा है ज़रूर है कि हेयर को ग्रोथ करता है, बट हेयर ग्रोथ हो रहा है कि नहीं वो आपको सिर्फ 15 दिन में नहीं पता चलेगा, उसके लिए आपको मिनिमम 1 से 2 महीने देने पड़ते हैं, क्योंकि हेयर ग्रोथ का प्रोसेस लॉन्ग होता है, तो वैसे आपको 1 से 2 महीने देने ही तो पड़ेंगे हेयर ग्रोथ का अपने देखने के लिए। तो मैंने इतने दिन यूज़ किया जितने, उससे मैं ये बता सकती हूँ कि ये हेयर फॉल को बहुत ही कंट्रोल करता है, क्योंकि मेरा हेयर फॉल बहुत ही कम हो रहे हैं अभी जितने दिन मैंने इसको यूज़ किया है। आपको ऐसे मसाज करते करते स्कैल्प पे लगाना है, सब मसाज करोगे और कुछ कुछ जगह पर कुछ हाँ लगता है कि टारगेटेड पॉइंट है, सब जगह पर ऐसे ऐसे लगा दोगे। तो अभी तो सिर्फ 15 दिन हुए, मैं इसको मुझे लगता है 1 महीने में ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि देखिए इतने लंबे बाल एक महीने में इस तेल को ख़त्म होने में पूरा काम करेगा, 1 महीना ही, उससे ज़्यादा नहीं। तो फिर मैं सोचूंगी, मैं देखूंगी कि सच में मैं इसे खरीदूं या नहीं। मैंने जस्ट इसको ट्राई करने के लिए, क्योंकि सब बहुत ही अच्छे इसके रेटिंग है और सभी बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा है, तो मुझे भी देखना था कि ये कितना अच्छा है। तो मैं एक बात बोल सकती हूँ कि हाँ ये अच्छा है, क्योंकि इसने मेरे हेयर फॉल को बहुत ही, अभी मानसून चल रहा है ना, हेयर फॉल में बहुत हो रहा था और थोड़ा सा डैंड्रफ प्रॉब्लम मुझे हो रहा था, तो इसको तो उसने बहुत ही अच्छे से मतलब रोक के रखा है, रोक लिया है, हेयर फॉल उतने नहीं होते, और डैंड्रफ को भी इसने अभी हो नहीं रहा, मुझे थोड़ा सा थोड़ा डैंड्रफ हो रहा था पर इसको यूज़ करने के बाद वो डैंड्रफ भी अब नहीं है। अब तो इसमें क्लेम है कि ये डैंड्रफ को भी रोकता है, क्योंकि इसमें हर्ब्स ही ऐसे है तो ये डैंड्रफ को भी रोकता है, तो मैं थोड़ा सा अब इसको कोम कर लूँ, क्योंकि बहुत ही मतलब उलझ गए हैं, अगर उलझ कर जाने के बाद ठीक से ऑयल नहीं रखता स्कैल्प पे, तो आपको थोड़ा आपको अगर लगे कि तो उलझ गए आपको कोम करने की ज़रूरत है, तो आप ऐसे कोम कर लीजिए कीजिए, तो उससे अच्छा। देखिए मेरे यहाँ पर नॉर्थ से मैंने पहले इसको ऐसे कोम किया, फिर मैं इसको ऐसे जड़ी हूँ, देखा फिर से मतलब यहाँ पर, तो मैंने फिर से इसको ऐसे करी हूँ। आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, ज़्यादा बहुत गर्मी है, ये वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है, मैं समझ पा रही हूँ कि वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोग से गप्पे लड़ाते लड़ाते तेल लगा रही हूँ, तो देखती हूँ कितना मैं इसको एडिट करके शॉर्ट कर पाती हूँ। अभी तो बालों का ओ चुच्चा चलिए हो गया, अभी मेरा सामने का स्कैल्प पे तो ऑयल हो गया, अभी पीछे ही देना है बाकी है, तो मैं ऐसे मुड़ जाती हूँ आपको अच्छे से मतलब दिखाई देगा, सी पता नहीं आप देख पाए, अगर इसको ख़त्म होने के बाद मेरा अगर मन करे तो मैं इसको नहीं भी ख़रीदने वाली हूँ, वो मैं आप लोगों को आगे अपडेट दे दूँगी कि मैं इसको फिर से ख़रीदने वाली हूँ कि नहीं, क्योंकि अभी तो उसे 15 दिन हुए हैं इसको यूज़ किए हुए, और जब ये ख़त्म होगा तब भी मैं एक लास्ट वीडियो बनाऊँगी इसके ऊपर
कि मुझे कैसा लगा और मैं इसको रिकमेंड करती हूँ कि नहीं और ख़रीदने वाली हूँ कि नहीं। तो उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना। और दूसरी जो बात है कि मैं आगे आप लोगों के साथ और भी हेयर केयर सीरीज़ लाने वाली हूँ एक एक करके, क्योंकि मैं तो इसे जस्ट रिसेंटली मैंने इसको ख़रीदा है, लेकिन उससे पहले मैं जो ऑयल्स यूज़ करती थी, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जिनको मैं मिलाकर एक साथ यूज़ करती थी, उसको भी मैं वीडियो लाने वाली हूँ। और एक बहुत ही मैजिक चीज़ जो बहुत लोगों को शायद पता है, जिनको पता नहीं वो आप देखे लेगा, उसके बारे में बात करने वाली हूँ। वो आज नहीं, किसी और वीडियो में, क्योंकि वो सिर्फ ना आपके हेयर फॉल को रोकता है, वो हेयर फॉल को भी रोकता है और हेयर ग्रोथ भी बहुत करता है, रीग्रोथ होता है। मतलब जिन लोगों के मतलब बाल उठ उठ के गंजा हो जाता है ना, जो लोग, वहाँ पर भी ये बालों को उगा सकता है। ऐसा अगर आप लोगों को पता है तो गेस कीजिए कौन सा, वो तो मैं किसी और वीडियो में बताने वाली हूँ, अभी नहीं। अभी तो इसका ही इस बहुत बहुत ही हॉट है, इतनी गर्मी है। आप लोग स्कैल्प पर मसाज करते करते अच्छी तरह से देना। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे बहुत सारे वीडियो डालने वाली हूँ, स्किन केयर के ऊपर, मेकअप के ऊपर, हेयर केयर के ऊपर, बहुत सारे लाइफस्टाइल के ऊपर भी मैं लाने वाली हूँ, एक एक करके मैं सब लाऊँगी। तो प्लीज़ पसंद आए वीडियो, आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके दे देना, तो मुझे भी उससे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि सिर्फ सब्सक्राइब करने से ही नहीं होता, व्यूज से ही नहीं होता, अगर आप लोग उसको लाइक करते हैं, अगर आपको वो हेल्प करता है, और आप लोग अगर एक अच्छा सा कमेंट लिख कर जाते हैं कि हाँ डियर थैंक यू, इस आपके इस रेमेडी ने, आपके इस सजेशन ने मेरी बहुत अच्छे से हेल्प किया, तो रियली बोलती हूँ वो ना दिल पे आके लगता, बहुत ही अच्छा लगता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर न्यू वीडियोज, एंड लाइक सब्सक्राइब कमेंट, एंड अगर आप शेयर भी कर देना फ्रेंड्स के साथ, क्यों नहीं, सिर्फ आप ही के फ़ायदा लोगे, शेयर करोगे, प्यार बांटते हो तो प्यार बढ़ता है वैसे ही। थैंक यू। थैंक यू क्यों बोला मैंने, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हो ना, वीडियो ख़त्म नहीं, चलो ऑयलिंग। तो अभी स्कैल्प का पूरा हो गया, मैं एंड्स पर भी लगा दूँ क्योंकि मेरे एंड्स बहुत ही ड्राई है, माय हेयर टाइप इज़ वेरी ड्राई, स्कैल्प उतना ड्राई नहीं है, बस सर्दियों में स्कैल्प भी बहुत ही ड्राई हो जाता है, और गर्मियों में जेतु स्वेटिंग बहुत होती है, देख रहे हैं कितना, अच्छा गर्मी भी बहुत है तो स्वेटिंग भी बहुत होती है, तो स्कैल्प थोड़ा सा मतलब स्वेटी है, ऑयली हो जाता है, वो शैम्पू के एक दो दिन बाद होता है, बट एंड्स मतलब ये जो है बहुत ही ड्राई है मेरा, स्प्लिट्स भी है, अभी नहीं है, कुछ दिन पहले था कि मैंने उसको ठीक कर लिया, कैसे किया वो भी अगले वीडियो में आएगा, सब आएंगे कि कैसे स्प्लिट्स को ठीक करना है, कैसे हेयरफॉल करना है, हेयरफॉल करना है, क्या बोल रही हूँ मैं, हेयरफॉल नहीं, हेयरफॉल को कैसे रोकना है, पागल हो रही हूँ, पागल हो गई हूँ, सॉरी हाँ, बट थोड़ा सा नर्वस तो हूँ कैमरे के सामने आके बोलने से, तो इसलिए माफ़ कर दीजिए अगर मैंने गलत बोला, तो जस्ट इसको मतलब आप ध्यान मत उतना दीजिए मेरे गलत बोलने पर, मेरे बातों का मतलब आप, मैं आपको जो समझाना चाहती हूँ अगर वो आप समझ गए तो बहुत अच्छे, बट मैं जो थोड़ी थोड़ी भूल भांग उठपटांग गलत बोल रही हूँ वीडियो के बीच में, तो उसको जस्ट इग्नोर प्लीज़, ओके, क्योंकि पहली बात मैं एक बंगाली गर्ल हूँ, मैं हिंदी बोलती नहीं, वीडियो के लिए मैं अभी बोल रही हूँ ताकि सब लोग को समझ आए इंडिया में जो भी है, क्योंकि कोई भाषा आए या ना आए इंडिया के लोगों को हिंदी सबको समझ आती है, ज़्यादातर ही
सबको, तो इसलिए मैं हिंदी में बना रही हूँ। और ज़्यादा पहली पहली बार है तो इसलिए मुझे मुझसे थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, तो प्लीज़ उसको आप ज़्यादा मतलब ध्यान मत दीजिए, माफ़ कर दीजिएगा। अगर मैं सच में बहुत ही ज़्यादा मतलब भूल भाल बोल रही हूँ तो मुझे माफ़ कर देना। तो चलिए अब हो गया, और मैं भी यहाँ पर बहुत स्वेटी हो गई। आई एम बैक। तो अभी लास्ट टाइम भी आप लोग ऐसे अगर नॉट छोड़ा करी करना है, हेयर ऑलिंग के बाद भी आप लोगों को हेयर को सुलझाना है। अब बहुत लोग कहेंगे कि हेयर ऑलिंग करने के बाद बालों को सुलझाने में, कोम करने में हेयर फॉल हो रहा है, तो देखिए वो होता है, मतलब आपके जितने हेयर फॉल होना है वो होके ही रहेंगे, लेकिन हम ज़्यादा पर थोड़ा सा हेयर फॉल तो होगा ही ना, लेकिन हेयर ग्रोथ अगर उसके जगह पे हो जाए तो उतना मतलब परेशानी नहीं है, क्योंकि हमारे दिन में जैसे हमारे डेड स्किन सेल्स होते हैं स्किन के, वो निकलते हैं या फिर हम स्क्रब्स करते हैं उनको निकालने के लिए, तो वैसे ही हेयर्स की भी एक लाइफ होती है, अगर वो लाइफ साइकिल उनका ख़त्म हो जाए तो वो निकल आते हैं। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन मेन है कि आपको सीवियर हेयर फॉल ना हो। अगर आपको दिन में 100 से 50 या 100 से 150 ऐसे बाल गिरते हैं तो ये नेचुरल है, ये गिरता ही है सबका। एक हेयर का लाइफ साइकिल होता है, जब वो मतलब उनका लाइफ ख़त्म हो जाता है तो वो टूट के निकल जाते हैं। तो दिन में अगर 50 से 100 आपके बाल निकल रहे हैं तो वो इट्स नॉर्मल, बट अगर उससे ज़्यादा निकलने हैं तब वो बहुत ही सीवियर कंडीशन हो जाती है। तो आप ऐसे कोम करके अगर थोड़ा सा बाल निकल लेते तो आप उसका परेशान मत होना। अभी मेरा भी थोड़ा सा निकला है, नॉट लग गया। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मेरे भी थोड़े से बाल ऐसे निकले हैं। ओके, इसको मैं एक करके देखना मुश्किल, मेरे हाथों पर देख सकते हैं मेरा भी बाल गिरा है, टूटा है। तो ऐसे थोड़े थोड़े बाल गिरते हैं, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि वो एक हेयर का लाइफ साइकिल है। अगर उसका लाइफ ख़त्म हो गया तो आप उसका कैसे रोक सकते हैं, तो वो तो फॉल होकर गिरेगा ही ना। लेकिन उसके जगह ग्रोथ अगर बंद हो जाए तब वो मतलब हेयर फॉल होता है बहुत ही, क्योंकि जैसे आपके हेयर गिरते हैं तो उसको वापस उगना भी चाहिए। इसलिए हम ज़्यादा मतलब हेयर फॉल की तरफ ना जाकर हम रीग्रोथ पर देखें, क्योंकि हेयर का भी अपना एक लाइफ होता है, उसके बाद वो निकल जाता है। हर किसी को हेयर फॉल होता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, वो डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। बट एक चीज़ की आपको हेयर को रीग्रोथ कैसे करना है उसके ऊपर ध्यान देना है। तो ये हेयर हेल तो मैं अभी फर्स्ट कुछ दिन हुए यूज़ की हूँ और अभी यूज़ कर रही हूँ, तो हेयर ग्रोथ का तो उतना पता नहीं, लेकिन मानसून सीजन चल रहा है और मेरे सर पे थोड़ा सा डैंड्रफ भी हो गया था, तो उसकी वजह से मुझे बहुत ही सीवियर हेयर फॉल हो रहा था। तो उसको इसने रोक दिया, क्योंकि इसको लगाने पर जब मैं शैम्पू करती हूँ मेरा स्कैल्प पूरा क्लियर हो जाता है, एकदम डैंड्रफ चला जाता है। और ये क्लेम भी करता है कि ये हेयर ऑयल डैंड्रफ को भी हटा देता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे हर्ब्स है जो डैंड्रफ को भी हटाता है। तो ओवरऑल इस कुछ दिनों के एक्सपीरियंस से मुझे ये हेयर ऑयल अच्छा लगा, लेकिन अभी इसको मैं पूरा ख़त्म करूँगी और उसके बाद भी आप लोगों को एक अपडेट दूँगी कि मुझे सच में ये हेयर ऑयल कैसा लगा, क्या ये मतलब इतने जो महंगा है इसको क्या ये सच में इसको लगा कर अच्छा होता है, मतलब है ऐसा ही। तो बस मैं अभी एक महीना इसको यूज़ करूँगी, एक महीने का मतलब जितना दिन चला, मैं इसको पूरा ख़त्म करने के बाद आप लोगों को अपडेट दूँगी कि ये ऑयल इतना महंगा है, ये इतने सारे जो क्लेम्स करते हैं क्या ये उन क्लेम्स पे सच में खरा उतरता है या फिर जस्ट लिखने के लिए है, तो वो अपडेट दूँगी। बट इसने जो क्लेम किया कि हेयर फॉल को और रोकता है या फिर ग्रोथ होता है, ग्रोथ का तो पता नहीं बट हेयर फॉल को इसने रोका है, सच बता रही हूँ। मॉनसून सीजन स्टार्ट था, मेरे स्कैल्प पे बहुत ही डैंडरफ हो चुका था और हेयर फॉल भी हो रहे थे, इसको इसने बहुत ही अच्छे तरह से रोका है लिटरली। तो हेयर फॉल किया इसने अच्छे से रोका है, बट अभी भी पूरा इस्तेमाल करना बाकी है। फिर मैं आप लोगों को इसका एकदम पूरा इस्तेमाल करने में ख़त्म करने के बाद अपडेट दूँगी क्या ये
इस इतने पैसे से इसको खरीदना क्या सच में सही है या फिर गलत है। तो ठीक है बस इतना। लेकिन मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि मैं अभी रेगुलर स्किन केयर और हेयर केयर बहुत सारे वीडियोस लाने वाली हूँ। मैं सब इसी हेयर ऑयल को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। मैं इसके पहले जो मैं अपने हेयर ऑयल यूज़ करती थी और जिसको यूज़ करने के बाद मुझे बहुत ही फ़ायदा मिला था, मैंने रिसेंटली वो हेयर ऑयल्स यूज़ करना बंद कर दिए हैं क्योंकि अभी मुझे इसको ट्राई करना था, इसलिए मैंने एकदम ही उसको स्टॉप कर दिया। क्योंकि अगर हम किसी प्रोडक्ट को वो कैसा है उसको हम जानना चाहते हैं कि वो सच में क्या अच्छा है या बुरा, तो हमें किसी और प्रोडक्ट्स को यूज़ करना भी थोड़ा सा कम मतलब कम कर देना चाहिए जो ज़रूरी है। क्योंकि मैं अभी इस हेयर ऑयल को इस्तेमाल कर रही थी तो मैंने उसको बंद कर दिया, क्योंकि अगर मैं उसको बंद करूँगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे फ़ायदा किससे हो, इससे या उस हेयर ऑयल से। क्योंकि जो मैं पहले हेयर ऑयल यूज़ करती थी उससे भी मुझे बहुत ही अच्छे फ़ायदे मिले, इनफैक्ट उससे मुझे हेयर ग्रोथ भी हुए। क्योंकि मैं यहाँ पर बाल ठीक है मैं दिखाती हूँ, देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जस्ट नए हैं, एकदम नए बाल हैं। ये देखिए ये एकदम नए हैं, तो ये भी मुझे नए नए आए हैं। और जो मैं पहले हेयर ऑयल यूज़ करती थी वो मैं करीब 2 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ। हाँ 2 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ और उसने तो मुझे मेरे हेयर मतलब उसने मेरे हेयर फॉल और हेयर रीग्रोथ दोनों में बहुत हेल्प किया है। तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो लाने वाली हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कर दिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय आज के लिए।